अमित भूरा जी तमाम मंच पर खड़े सम्मानित संस्था के पदाधिकारी हैं और यहाँ पर आए तमाम टीचर्स स्टूडेंट्स और सम्मानित बुजुर्ग मुझे तीसरी बार इस संस्था में आने का मौका मिला। एक बार एक हिंदी की भेंट, एक बार जो वार्षिक उत्सव जो है शेख शारदा जयंती को मनाते हैं 28 नवंबर उसमें और आज इसी और निरंतर देखा है कि एक एक व्यक्ति के लगाम से लगाम से संस्था का एक कदम आगे बढ़ गया है। मैं सौभाग्य मानता हूं कि हमने 16 महीने ध्यान लगाने की सोच रखी रात उसका शुभारंभ करने का मौका मिला और उससे मेरे यहाँ की संस्था में झंडी पहले 70,000 आया 45,000 आया 35,000 की बदत की संस्था हो और हम सब के सहयोग से ये संस्था शिक्षा के क्षेत्र में कितनी फैल गई और इस संस्था से विशेष बदलाव हमारे परिवार का आया है। स्वर्गीय चौधरी जीवनानंद के समय से लेकर आज तक हमेशा इस शिक्षण संस्थान को अपने मिलकर आगे बढ़ाने का काम किया और उम्मीद आप सब रखना कि आने वाले दिनों में भी इस संस्था को हम सब के प्रयासों के साथ एक नए मॉडल के तौर पर एक नई ऊंचाई पर हम जाने का काम करें मगर आप सबके सहयोग की जरूरत से पूर्व आपकी संस्था के मेरे साथ मंत्री बनकर बैठे हैं बोलकर गए बड़ी खुशी होती है कि कोई एक इंस्टीट्यूट किसी को तैयार करता रहा ऊंचाई पर पहुंच जाता है और मैं तो बधाई लिखा उन गुरुओं का इतनी अच्छी शिक्षा इतना ढंग नौकरी में लिया कि द्वारा लगाया इस प्रदेश के राजनीति मेरे बीच में मैं भी हैरान हूँ मूर्ति पहली बार संस्था में आए नौकरी में नहीं गया और पहली बार अपने डिस्ट्रीब्यूशन से संस्था में कुछ नहीं मैं तो संस्था में छोड़ देता मेरे मूर्ति के कितनी बेनती लगाई है आप हरेक जरूर होना जाना इस संस्था को केवल मात्र हमें यहाँ नहीं आज इसके अंदर ऐसे ऐसे कोर्सेज मिसिंग हैं जो पिछले लंबे समय से आपको प्रयास कर रहे हैं इस संस्था का मुख्यमंत्री जी से भी मेरी चर्चा है मैं प्रयास करूंगा कि साल के अंदर एक बार उनको भी यहाँ आपको यूनिवर्सिटी के बराबर का टैलेंट हम अपने इस इंस्टीट्यूट से ले जाने का काम करें। मैं तो इतना बोलूंगा कि जो भी आपके कमजोर होगी की नौकरी से -6% जो भी आपके खर्चा आता है मैं अपने पिछली से उसको पूरा कराने का नौकरी करता हूँ सारे साथ मिलकर उसको एक ऑडिटोरियम का स्वरूप मत ले आपकी संस्था है आपका अधिकार मैं तो एक सुझाव लेकर जरूर जा सकता हूँ कि उसको मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हॉल बनाने का काम करो जिसके अंदर हमारे तो विशाल से कितने इंटरनेशनल प्लेयर देखते हैं टिंकी निकली है मनोज निकला है या बॉक्सिंग जैसा गेम पकड़े आज हम भिवाड़ी देखते हैं 3 अकेडमी है जो प्रदेश के 80% बॉक्सर पैदा करती है देश की टीम के अंदर 2 से 3 बॉक्सर को भेजते हैं
क्या हम सारे तो वैसे ही मॉडल लेंगे? हम देखते हैं, बात सुनते हैं, बैडमिंटन की अकेडमी हैदराबाद है, लॉन टेनिस की अकेडमी बेंगलोर है, क्या हम अपनी शिक्षण संस्थान का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा मॉडल याद नहीं कर सकते? चाहे वो डिफेंस ट्रेनिंग का कि भाई फौज में जाना है तो फिर विकास संस्था के लिए अप्रोच कराओ, फौज में जाने की कोशिश करो, एक मॉडल लेकर चलो। तो ब्रिटिश के साथ ये वाली युवा टीम लगभग मेरे लिए एनसीसी के साथ ही कक्षा था, पूछ रहा था आप आपके वाणी से है, वीर से है, इस तरह से तो हमारा एक टैलेंट यहाँ पर बैठा है। इन सब चीजों को हम एक करते एनसीसी के साथ साथ स्पोर्ट्स के अंदर जाएंगे तब तक कहीं ना कहीं रोजगार करेंगे पूरे देश में, हमारे बच्चों को जाने का मौका मिलेंगे। मुझे यही आशा होगी कि साथ दोबारा संस्था के प्रधान छोटे बच्चे हमारे बीच नहीं है, उनको हमारे उप प्रधान को सारी टीम को बधाई देता हूँ।